हेलो गाइस, मेरा नाम है नीलेश सिंह और आप देख रहे हैं नीलेश टेक्निकल वीडियोस। तो गाइस, जैसा कि पिछले वीडियो में आपका बहुत सारा कमेंट आया था कि हमने थंबनेल तो लगाना सीख लिया लेकिन एट्रैक्टिव थंबनेल बनाया कैसे जाता है, तो उसके ऊपर आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है पिक्सल लैब। तो ये इस तरह का कुछ खुल जाएगा, उसके बाद इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरा डाउनलोड है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। चलिए ओपन कर लिया। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये चेंज हो गया, यहाँ से ये चेंज हो गया, तो आप अपने अनुसार से वो चेंज कर सकते हैं। तो आप अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे थंबनेल आप अपने वीडियो के लिए कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, तो आपने सबसे पहले इसे ऑन कर लेना, ऑन करना है। उसके बाद आपने यहाँ एडिट पे जाना है। तो आपने यहाँ एडिट पे जाना है और कुछ लिख देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ अब मैं इसे एक जगह पे सेट कर देता हूँ। चलिए मैं इसे सेट कर लेता हूँ। यहाँ से आप यहाँ से आके इसका टेक्स्ट जो साइज़ है आपका, उसे बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं इसे मैनेज कर देता हूँ। तो मैंने इसे मैनेज कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, जैसे जाइएगा तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलता है आपको, तो आपने टेक्स्ट को कलर कर लेना है। तो जैसे मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप आगे जाना है आपको, तो यहाँ पे देखिए ये भी फ्रंट है। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का जो ये है आप बदल सकते हैं, स्टाइल बदल सकते हैं। तो आप यहाँ से जाके, मैं इसे अमरनाथ बोल्ट में हमेशा इसी से करता हूँ, तो इसे ओके कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ से आप टेक्स्ट बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, तो मैं इसे अभी इनेबल नहीं करता हूँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रोक यहाँ पर दिया हुआ है, तो स्ट्रोक ऑन कर लेना है। उसके बाद शेडो ऑन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ आगे, आगे मैं और कुछ लिखना चाहता हूँ। तो देखिए, हाउ टू मेक अट्रैक्टिव थंबनेल, अब लिख देता हूँ फॉर योर यूट्यूब वीडियोस, फॉर योर यूट्यूब वीडियो, ठीक है। तो मैं इसे भी आगे यहाँ पे सेट कर देता हूँ। चलिए, साइज टेक्स्ट का साइज यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कलर देखिए, कलर मैं इसे दे देता हूँ, मैंने इसे दे दिया कलर। उसके बाद जाके यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर दीजिए। फिर से वही सेम चीज करना है आपको, स्ट्रोक ओपन कर देना है, शेडो ओपन कर देना है। और यहाँ से इस बार मैं करता हूँ क्या कि टेक्स्ट बैकग्राउंड इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ। देखिए इस तरह से कुछ हो गया मेरा। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे अगर कोई फ़ोटो लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आप, मैं यहाँ पर आऊँगा, इसमें ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट इमेज दिया हुआ है, तो इम्पोर्ट इमेज जो दिया हुआ है, तो इससे पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, कि मैं इसे अपने YouTube थंबनेल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसे आगे इमेज साइज YouTube थंबनेल वाला कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया YouTube थंबनेल का साइज, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट इमेज करना है, अपने जो भी इमेज चूज करना है अपने गैलरी से चूज कर लेना है, जैसे कि मैं इसे चूज कर लेता हूँ। ओके कर दिया, यहाँ पर आ गया, देख लीजिए मेरा इमेज। इसके बाद मैं इसे अपना साइज इसका सेम कर देता हूँ। तो चलिए मैंने साइज भी कर दिया सही। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा बन गया, हाउ टू मेक अट्रैक्टिव थंबनेल फॉर योर यूट्यूब वीडियो। अब मैं इसमें, इस फोटो में भी शेडो और स्ट्रोक दिए देता हूँ। स्ट्रोक ओपन कर दिया और शेडो भी ओपन कर देता हूँ, ठीक है। शेडो मैं किसी और कलर का दे देता हूँ। चलिए, तो आप देख लिए। तो उसके बाद आपने यहाँ से सेव में आके सेव एज इमेज कर देना है, सेव टू गैलरी कर देना है। तो ये सेव हो गया आपके।
तो इस तरह से दोस्तों आप अपने YouTube के लिए एक बेस्ट थंबनेल बना सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो से रिलेटेड।